good morning students and welcome in the online class of others within the new market the subject is math and topic is to multiply by 10000, 10, etc in previous class we have studied different rules of multiplication now we'll see what we have to do if we have to multiply with ten hundred thousand simply it is very simple the 10 if we have to multiply 10, put 1 0 on the right of the given number. If 100, put 2 0s on the right of the given number. If 1000, put 3 zero on the right of the given numbers. So, similarly, if 10, we have to multiply 10,000, put four zero on the right of the given number. So, this is very simple. And very simple. You can see here. If we have to multiply with 10, we will put 1 0 in the right. ये बी बिल हैफ टू मल्टीप्लाई हंड्रेड बी हैफ टू पुट टू जीरो जस्ट राइट टू द गि नंबर थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड एड बी टू मल्टीप्लाई विद थाउजेंड्स वो पुट बिल पुट थ्री जीरो जस्ट राइट टू द नंबर डिजिट सिक्स सो दिस इज सिक्स थाउजेंड अगर टेन थाउजेंड से करना है तो फोर जीरो को हम दायनी तरफ रख देंगे अब या तो कोई इस तरह से जोड़ कर देखें थर्टी सिक्स से टेन को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें देखते हैं क्या जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं थर्टी सिक्स को गेट ज़ीरो जीरो जैसा आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है कि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर विल गेट प्रोडक्ट विल भी जीरो फिर क्या है अब इसको ये थर्टी सिक्स हुआ इसको टेन से मल्टीप्लाई किया विल गेट सो लास्टली वी एडिट ये वन से किया या टेन से किया फिर दूसरे में भी देखो ये ये हंड्रेड से करना है तो क्या थर्टी सिक्स को जीरो वन से किया फिर थर्टी सिक्स को जीरो टेन्थ से किया फिर थर्टी सिक्स को वन हंड्रेड से किया एंड अल्टीमेटली विल गिव दिस सो दिस इज वेरी सिंपल सो कीप वाचिंग फॉर द असाइनमेंट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओके